क्या आपको भी लगता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है एग्जाम्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज की हैं, बट जब उन्हें प्रेजेंट करने की बारी आती है तो आप वो उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके स्कोर सफ़र करते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट ईयर BHMS में हैं तो ये प्रॉब्लम आप बिल्कुल फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही हम सेकेंड, थर्ड या फोर्थ ईयर BHMS में जाते हैं कॉन्सिक्यूटिवली, हम सीख जाते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें बेटर स्कोर करने में हेल्प कर रही हैं और कौन सी चीज़ें हमारे मार्क्स कम कर रही हैं। बट फर्स्ट ईयर में ऐसा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है, एंड वेलकम और वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मिट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर BHMS के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप अपना पेपर किस तरह से बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा भी होगा, आपके कुछ दोस्त भी होते हैं जो कि पढ़ने में आपसे कम होते हैं बट उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं, एंड द ओनली रीज़न इज़ द वे दे प्रेजेंट देयर पेपर, द वे दे राइट आंसर्स। और इसमें कुछ बहुत ही बड़ा साइंस नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते हैं तो उसमें सीक्वेंस में होता है क्वेश्चन पेपर। जैसे क्वेश्चन पेपर में चार पार्ट्स आते हैं, A, B, C, D, उसके लिए आपको चार डिफरेंट आंसर शीट्स दी जाती हैं, जिसका मतलब है ए की आंसर शीट में ए के आंसर्स होंगे, बी की आंसर शीट में बी के आंसर होंगे, एंड सो ऑन डी तक। तो अगर गलती से आपने ए की आंसर शीट में B, C या D के आंसर्स लिख दिए तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर चाहे आप कितने भी जतन कर लें, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन होते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में चेक होते हैं, आपके कॉलेजेस में चेक नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जिस सीक्वेंस में आपको आंसर शीट दी गई है उसी के अंदर आपको आंसर लिखना है, यानी ए पार्ट का आंसर ए की शीट में ही आएगा। और मैं जानती हूँ बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत कॉमन चीज़ है, इतनी कॉमन सेंस तो सब में होती है, बट जल्दबाजी में हम ऐसी गलती कर देते हैं कि ए का आंसर बी में लिख दिया, देखा नहीं है, सी का आंसर ए में लिख दिया, तो उस आंसर के मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो ज़ीरो है एग्जामिनर की नज़र में, अगर आपने सही तरीके से सही शीट पे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो सबसे पहली चीज़ का ध्यान हमें इसका रखना है। दूसरी चीज़ है कि हम क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे मल्टीपल सोर्स को रिकमेंड करते हैं, बहुत सारी मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे होते हैं तो हमें याद भी नहीं आता है हमने कौन सी बुक में क्या चीज़ पढ़ी थी, और जो आंसर की रेलिवेंस है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने एग्ज़ाम के पहले तक सिंगल सोर्स को ही रेफ़र करना है, और आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट तक हमने वो ही सिंगल सोर्स पढ़ना है, किसी की देखा देखी में, या ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनने के लिए हमें बहुत सारे सोर्सों की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंगल सोर्स रेफ़र करिए। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं हमेशा करती हूँ, जो कि है जब भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हों, जो कि अभी हो रहे होंगे या आसपास होंगे फर्स्ट ईयर के, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप अपने कॉलेज के 10 ईयर्स को सॉल्व करिए। ये काम आप 20 से 25 दिन पहले कर सकते हैं, तो आपने उस बुक में, उस नोटबुक में अपने प्रीवियस 10 ईयर्स सॉल्व कर लिए हैं। अब आप एग्ज़ाम के आखिरी मिनट तक वो ही सिंगल सोर्स रेफ़र करिए, उससे होगा क्या, आपको पता होगा कि अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आ जाएगा तो मुझे ये ही कंटेंट उसमें लिखना है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी, तो अभी इसकी हालत थोड़ी ख़राब है, तो मैंने फिजियोलॉजी के लिए ऐसे ही एक नोटबुक बनाई थी जिसमें मैंने अपने सारे 10 ईयर सॉल्व किए थे। आप नाम लिख लीजिए कि इस ईयर का पेपर मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो ये 2005 का पेपर है। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखिए और वही आप आंसर्स उसके लिखते जाइए। आपको लगता है जहाँ जहाँ जो कि ये तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो एग्ज़ामिनर ने पढ़नी ही पढ़नी है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि एग्ज़ामिनर की इस पर नज़र जाए। लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आप उस वक्त ऐड नहीं कर पाए थे, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के एंड मिनट तक आप वही चीज़ें पढ़ें, अपने सोर्स को सिंगल रखें।
उसके बाद तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, 10 मार्क्स से क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट कर लें। होता क्या है कि हम 5 मार्क्स से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं और उसमें बहुत समय वेस्ट हो जाता है, तो 10 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। तो 10 मार्क्स से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लें और समय का ध्यान रखें, बार बार अपने वॉच को देखते रहें, बार बार ये नोटिस करते रहें कि आपने कितना टाइम इस क्वेश्चन में लगा दिया है और कितना टाइम आपके पास बचा है जो कि आप आगे आने वाले आंसर्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं तो एंड में आपको लगेगा कि 15 मिनट बचे हैं या आधा घंटा बचा है और मेरा आधे से ज़्यादा पेपर बचा है। तो ऐसी गलती ना करें, अपने टाइम को देख कर सही जगह इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम में पैराग्राफ लिखाते हैं, तो पैराग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट है, एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी स्टोरी पढ़ने में। आप इसकी जगह पे पॉइंटर्स लिखिए और पॉइंटर्स में भी आप मार्क करिए कीवर्ड्स। जैसे मुझे, अगर मैंने कोई आंसर लिखा, मुझे लगता है कि इस लाइन में अगर एग्जामिनर ने ये नहीं पढ़ा तो मेरा आंसर अधूरा है, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए ताकि एग्जामिनर वो पढ़े और उससे समझ आए कि अच्छा ये कीवर्ड्स अगर इस आंसर में है तो मतलब ये आंसर पूरा है, करेक्ट है, सही है, तो वो आपको मार्क्स दे दे। हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप पॉइंटर्स लिखते हैं तो पॉइंटर्स में जो आपको लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, उसको शुरुआत में लिखें और उसके बाद लीस्ट तक आप नीचे आ जाएं। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ज़माना है, हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं व्हाइल चैटिंग और वही आदत हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के आंसर में भी वो शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, बिकॉज में BCZ या BCS, ये सब शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल आपने अपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं करना है। ये बात इनवॉलेंट्रली भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है आप सोच कर ही लिखें। दिमाग इस तरह से, हमारा मेमोरी इस तरह से है कि वो इनवॉलेंट्री भी खुद लिख देता है। तो ये आपने अटेंटिव होके अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करना है कि ये सब जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आप अपनी चैटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप एग्जामिनेशन में गलती से भी इस्तेमाल ना करें। इस बार होता है कि हम क्वेश्चंस को गलत पढ़ते हैं, तो ये मेरे साथ खुद हुआ था 3rd ईयर में, मटीरिया मेडिका का एग्ज़ाम था और जल्दबाजी में, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एंगजाइटी फील कर रही थी उस एग्ज़ाम को लेके, तो मैंने क्या किया, जल्दबाजी में मैंने 2 क्वेश्चंस को गलत पढ़ा और वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे दोनों। तो मैंने उसमें पूछा कुछ और गया था क्वेश्चन में और मैंने पढ़ा कुछ और, लिखा कुछ और जैसे मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई, देन आई रियलाइज कि मैंने तो बिल्कुल ही वो गलत कर दिया है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, समझे कि उसमें क्या पूछा गया है, रादर देन जल्दी से उसे पढ़ के आंसर लिखने की बजाय। उसके बाद पेपर में नीटनेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पेपर जो है आपके खुद के पैसों के तो आ नहीं रहे हैं, कॉलेज के पैसों के आ रहे हैं, तो खुला खुला लिखिए, जितनी एक्स्ट्रा शीट्स आप ले सके लीजिए, लेकिन नीट होना चाहिए पेपर और वो उसमें स्पेस होना चाहिए लाइन्स में, वर्ड्स में। भिचा भिचा लिखते हैं तो समझ में, खुद को ही नहीं समझ में आएगा तो उस एग्जामिनर तो क्या ही समझेगा, है ना। तो नीटनेस भी मैटर करती है जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ये हमें तो हमेशा हमारे सीनियर्स बताते थे कि कुछ भी लिख के आ जाना, बट कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, स्पेशली अगर आप एनुअल एग्जाम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं, एक एक मार्क्स मैटर करता है। तो अगर समझिए, ऐसा हो सकता है किसी भी सिनारियों में कि कोई भी क्वेश्चन आया है और आपको वो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको स्किप नहीं करना है। उसके आसपास की अगर आपको कोई उससे रिलेटेड चीज़ आती है, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक के बारे में आपको पता है या उसके बारे में कुछ भी पता है, वो आप लिख के आइए। ये मत सोचिए कि एग्जामिनर क्या सोचेगा मेरा आंसर पढ़ के, पर आपने वो क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख कर आइए पेपर। उसके बाद जब हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें 1st ईयर में, तो जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट्स, जितने ज़्यादा टेबल और डायग्राम्स आप बनाएंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एनाटॉमी में सिनोनिमस है एनाटॉमी विद डायग्राम्स, तो अगर आप कुछ ना भी लिखें बट डायग्राम्स बनाएं, उन्हें अच्छे से मार्क करें, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एनाटॉमी में आपने ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद फार्मेसी, फार्मेसी में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एज सच अगर आपसे ड्रग्स पूछी जा रही है तो ड्रग्स के कुछ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर आपसे मेथड्स पूछे जा रहे हैं फार्मेसी में, तो उसकी एज इट इज डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद हम बात करते हैं मटीरिया मेडिका की। तो मटीरिया मेडिका में जैसा कि है की नोट्स, है ना, तो की नोट्स आपने किसी भी ड्रग के गाइडिंग सिम्टम्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं, उसके की नोट सिम्टम बिल्कुल नहीं भूलने हैं। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा स्कोर करना चाहते हैं, अपने फर्स्ट ईयर में हैं, तो अगर आप किसी भी ड्रग की शुरुआत उसके कॉन्स्टिट्यूशन से करें, उसकी ड्रग पिक्चर अगर आई है उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन से करें, डायथिसिस से करें, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एंड में हम बात करते हैं ऑर्गेनॉन की। तो ऑर्गेनॉन में देखिए, हम बोलते हैं थ्योरी बहुत ज़्यादा है और ऑर्गेनॉन में कुछ भी लिखा हो, तो अगर आप अफोरिज्म के नंबर लिखेंगे ऑर्गेनॉन में तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर बच्चे अफोरिज्म नंबर याद करते नहीं हैं, क्योंकि उनका उनको उसका सिग्निफिकेंस लगता नहीं है। बट अगर आप अफोरिज्म नंबर लिख रहे हैं, कुछ भी अगर पेपर में पूछा गया है उसके साथ अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे आपका एग्ज़ाम एक बेटर वे में अटेम्प्ट करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।